नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीबीट्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात कर लेते हैं आप सभी के फेवरेट शो यानी स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो अनुपमा की। दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 साल का लीप आ चुका है और अनुपमा आशा भवन में एक अनाथ आश्रम है या फिर या वृद्धाश्रम है, उसमें वो जो है स्टे कर रही है और वहां से उनकी एक बुजुर्ग वाली कहानी शुरू हो रही है। दूसरी तरफ वनराज की कहानी में आप देख रहे हैं कि वनराज जो है एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है और उसे जो है ना अब फैमिली से कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपने बिजनेस से मतलब है। दूसरी तरफ आप बात कर ली जाए अनुज कपाड़िया की, तो अनुज जो है ना वो एक भिखारी टाइप का बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में है और वो जो है ना रोड पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है और बस वहीं पर होने वाली है अनुपमा और अनुज की एक मुलाकात। क्योंकि अनुपमा को होने लगा है अनुज के होने का एहसास, तो वहीं पर अनुज बजा रहा है बांसुरी, जिसकी बांसुरी की आवाज में है काफी ज्यादा दर्द, क्योंकि वो भी कर रहा है अपनी अनुपमा का इंतजार। तो क्या लग रहा है 6 महीने के लीप के बाद हो जाएगा अनुज और अनुपमा का आमना सामना, हो जाएंगे दोनों एक। लेकिन कहानी में अभी आपको बता दें कि ऐसी अटकलें आ रही है कि आद्या वापस आएगी। जी हाँ, कहानी अनुपमा में अभी बाकी है। सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुज और अनुपमा के महामिलन के वक्त ही हो जाएगी बड़ी आद्या की एंट्री और एक बार फिर से बड़ी आद्या की वजह से ही हो जाएगा हमारे अनुज और अनुपमा का एक और बार आमना सामना। मगर ये आमना सामना सिर्फ कुछ पल का ही होगा, क्योंकि इसके बाद आद्या इनके बीच एक बार फिर से दीवार खड़ी कर देगी और ऐसी दीवार जिस दीवार को तोड़ना नामुमकिन सा होगा। गाइस, काफी मजेदार होने वाला है सीरियल अनुपमा का आगे आने वाला ट्रैक, क्योंकि अब आद्या बड़ी हो चुकी है और बड़ी आद्या के साथ कहानी ना बहुत ही नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना फेवरेट शो अनुपमा, जहां 6 महीने के लीप के बाद कहानी में काफी कुछ बदल चुका है। इस बदली हुई कहानी को देखने के लिए आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।